बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सोमवार को बलिया अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमण मरीजों के लिए एक 100 वाले बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसमें 50 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर से युक्त है। वहीं 50 बेड पाइप के द्वारा ऑक्सीजन दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। एक सप्ताह के अंदर वह भी तैयार कर लिया जाएगा। एक सप्ताह के बाद 100 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकेगा। उन्होंने 40 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को कोरोना का वैक्सीन लेने का अपील करते हुए कहा कि लोगों में वैक्सीन लेने का उत्साह देखा जा रहा है और अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घर से बाहर बेवजह ना निकले, जब आवश्यक काम हो तभी मास्क लाकर ही बाहर निकले एवं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। बार बार हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तभी हम लोग कोरोना से बच सकेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सर, औचक निरीक्षण थे या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जांच किया गया है? नहीं, औचक निरीक्षण था ये। दरअसल अब कोरोना केसेस सभी जगह बहुत बढ़ रहे हैं, बेगूसराय में भी बहुत तेज़ी में केसेस बढ़ रहे हैं। कल शाम तक 324 एक्टिव केस हो गया है, आज भी करीब 100 के आसपास केसेज आने की संभावना है। इस तरह का ट्रेंड अभी देख रहे हैं जो केसेज आ रहे हैं, और इस बार का कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादा इसमें सिम्टम्स भी लोगों में ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस बार ज़्यादा बचाव की आवश्यकता है, घर से बिल्कुल ना निकलें। बहुत आवश्यक है तभी घर से निकलें, और निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर रखें साथ में और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, किसी दुकान पर जा रहे हैं अगर भीड़ है थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब खाली हो जाए तभी जाएं। बचाव कराएंगे तभी हम लोग कोरोना का संक्रमण को रोक पाएंगे। और इसी क्रम में जैसे पिछले वर्ष भी यहाँ सब डिविजनल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए यहाँ 100 बेड का इंतज़ाम किया गया था, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो, कोई सिम्टम आए तो उनको यहाँ एडमिट किया जा सके। तो अब वही पहले तो निर्देश दिया जा चुका था कि यहाँ तैयारी करवा लें, यही लिखने के लिए आए थे, तैयारी हुई है कि नहीं। यहाँ 100 बेड का अरेंजमेंट हो गया है, जिसमें 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ हैं, तो वो ताकि ऐसे मरीज जिनको सांस में दिक्कत होगी तो उनका इलाज यहाँ पे किया जा सकेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पाइप से भी ऑक्सीजन वाला लगाया जा रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं वो भी एक आध सप्ताह के अंदर लग जाएगा, तो पूरा 100 बेड ऑक्सीजन के साथ सभी उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन की भी यहाँ जाँच की गई, तो लोगों में जागरूकता है, लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं कोविड का। और मैं पुनः अपील करूंगा कि जैसे जैसे हम लोग अभी आज तो वाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन वाइल्स पुनः आज मिलेंगी, हम लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, तो लोग अधिक से अधिक संख्या में जो 45 साल से ऊपर के हैं वो भी जो निर्धारित साइट्स हैं वहाँ पे आके टीकाकरण जरूर ले लें। तो कोरोना से जो बचाव का है कि मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर रखें
और साथ ही साथ टीकाकरण अपना करवा लें, यही बचाव है, तभी हम लोग संक्रमण को रोक पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।